मैं इस वक्त बाटा वॉर्वन का जो ब्रिज है उसके ऊपर हूँ। ये आयरन ब्रिज है जिसको हम बेली ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये खूबसूरत नज़ारे जो है ये वॉर्वन वैली के हैं। ये कोई स्विट्ज़रलैंड नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है और किश्तवाड़ के दूर दराज इलाका वॉर्वन का जो है एक गाँव है। आपने एक गाना सुना होगा, ये समा समा है सुहाना, किसी के इंतज़ार का दिल ना चुरा ले कहीं आके मौसम बहार का। जब हम इस एरिया में आते हैं ये वही एरिया है जहाँ पर आपकी नींद आपके होश जो है यहाँ की खूबसूरती को देखकर जो है वो उड़ जाते हैं। ये देखिए, अगर मैं हम दिखाएंगे आपको, थोड़ा सा कोशिश करूँगा मैं चारों तरफ आपको दिखाने की। आप देखिए कि कितना खूबसूरत जो ये इलाका है, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ। ये देखिए, अगर आप नीचे दरिया की तरफ देखेंगे, ये देखिए मतलब यहाँ पर राफ्टिंग का, फिशिंग का एक बहुत ही बड़ा स्कोप है। आप देख सकते हैं ये बीच में जंगल है, पास में जंगल है, पीछे खूबसूरत है इलाका है। ये देखिए दरिया किस तरह से, यहाँ पर सिर्फ ज़रूरत है एक बढ़िया कनेक्टिविटी की, यानी कि जो सड़क है मट्टी गावरन मरगन टॉप और जो इंशन की सड़क है उस पर काम करने की ज़रूरत है, इसको ऑल वेदर बनाने की ज़रूरत है। टनल की बात चल रही है, जो मट्टी गावरन इंशन टनल की बात चल रही है उसको बनाने की ज़रूरत है, चंजर बोंडा टनल बनाने की ज़रूरत है। और ये वॉर्वन का इलाका इतना खूबसूरत है कि ये किसी का मोहताज नहीं है। इस साल समर में यहाँ पर हज़ारों की तादाद में तो टूरिस्ट आए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर न सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की अटेंशन जो है वो इस एरिया की तरफ लाई जाए, ताकि यहाँ पर जो होम स्टेज का कंसेप्ट है उसको जो है वो जनरेट किया जाए। यहाँ पर इलाके में काफ़ी गुर्बत है और अगर ये गुर्बत दूर हो सकती है वो सिर्फ जो है वो टूरिज़म सेक्टर को यहाँ पर प्रमोट करने से हो सकती है। ये नज़ारे आपको जिस तरह से मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर हम पेन 360 कैमरा नचाएंगे, पेन 360 चारों तरफ से मैं दिखाऊंगा आपको, देखिए किस तरह से, ये देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। ये देखिए ये पूरा आप, मैं पेन 360 आपको दिखा रहा हूँ, ये पुल, ये पूरा, ये देखिए, ये कोई फॉरेन स्विट्ज़रलैंड या यूके नहीं है, ये कोई अमेरिका नहीं है, ये कोई इटली नहीं है। ये अगर एरिया है, ये वॉर्वन का एरिया है और ये बाटा विलेज है इस वक्त। ये देखिए ये मड़ुसुदर दरिया है जो यहाँ से गुजर रहा है, और ये जैसे मैंने बताया कि ये राफ्टिंग के लिए जो है वो एक बहुत ही बढ़िया स्पॉट है। यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर कावियाड़ का इलाका है, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है। बीच में मैदान है और मैदान के चारों तरफ से पानी जो है वो इस तरह से बाइफरकेट हो रहा है कि आपको लगेगा कि मतलब ये नज़ारे जो है वो आपको शायद ही कहीं मिले। ये देखिए, ये मैं 360 व्यू दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए पानी, जंगल, आपको एक तरह से खामोशी मिलेगी। यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। ये देखिए बादल जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, हम पिछले 4 दिनों से यहाँ पर हैं। हम जो मोलवड़न में जो हादसा हुआ था उसको लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, रिलीफ को लेकर, और बाकी यहाँ के अब हम बाकी चीज़ें भी जो है वो आपको दिखा रहे हैं, ताकि हम यहाँ की खूबसूरती को भी जो है वो उजागर करें, ताकि ये एरिया जो है वो लोगों के अटेंशन में आए। लोग जो है वो एक ही स्पॉट पर, टूरिज़म स्पॉट पर जा कर जो है वो थक गए, लोग जो है वो नया देखना चाहते हैं। आमिर हमारे साथ है, आमिर आप भी आए हुए हो, जो मड़वा की खूबसूरती के बारे में जो है वो वॉर्वन की खूबसूरती के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने क्या अकासी की है। देखिए आसिफ भाई, मैं पहली बार यहाँ पे आया, लेकिन ये खूबसूरती बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरती है यहाँ पे मड़वा में, तो हम पहली बार आए, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको क्या लगता है क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है? देखिए सबसे पहले तो जो मेन ये चीज़ है यहाँ पर करने की वो नेटवर्क कनेक्टिविटी है, रोड अच्छा थोड़ा होना चाहिए और यहाँ पर बहुत खूबसूरत जगह है। ये देखिए, ये वॉर्वन का जो बाटा गांव है वहाँ का है, ये देखिए मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये काफ़ी अट्रैक्टिव स्पॉट्स हैं, लोग चाहते हैं इस जगह पर आना। लेकिन मैं लोगों को साथ में ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जब वो आए यहाँ पर पोल्यूशन ना फैलाए, यहाँ पर जो है वो गंदगी ना फैलाए, यहाँ पर प्लास्टिक ना फैलाए, जो प्लास्टिक वेस्ट है जब आते हैं वो वहाँ से बड़े लिफाफे लाइए, उनको साथ ले जाए और उनको प्रॉपर जो है वो डिस्पोज कीजिए।
जब तक हम उसको प्रॉपर डिस्पोजल नहीं करेंगे तब तक हमारा एनवायरमेंटल जो हैजर्ड्स है हम उनसे नहीं बच पाएंगे और हमारा एनवायरमेंट जो है वो ठीक नहीं रहेगा। तो मेरी इस वीडियो के ज़रिए लोगों से अपील है कि वो आइए इस वादी की तरफ देखिए और ताकि यहाँ के टूरिज़्म को भी प्रमोट किया जा सके और यहाँ के लोगों की इकॉनमी जो काफ़ी गुर्बत ज़्यादा इलाका है उनकी इकॉनमी भी जो है वो बेहतर की जा सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली इस वीडियो को ज़रूर जो है वो शेयर कीजिए।